Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You Hi guys, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही प्रिटी सा मेकअप लुक, और इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका जो पसीने से मेकअप निकल जाता है, लाइक यहाँ से जो आप पसीने से मेकअप निकल जाता है, ऐसा कौन सा हैक है जो करने से आपका नहीं निकलेगा. तो इस वीडियो में मैं दो आप लोग के साथ आउटफिट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पहन रखा है, और जो झुमका पहन रखा है, कहाँ से लिया है, कहाँ से ख़रीदा है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मेकअप और ये आउटफिट कहाँ से लिया है. ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो वगैरह फिल कर लिया, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का शैडो पैलेट. ये पिंक शेड लेकर अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. आपके पास कोई भी पिंक कलर हो वो आप अप्लाई करिए. उसके बाद यहाँ पे डार्क पिंक लेकर जो लाइट पिंक लगाया था उसके नीचे अप्लाई करूँगी. उसके बाद ये पर्पल शेड लेकर उसके ऊपर अप्लाई करूँगी जो डार्क पिंक अप्लाई किया था, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी इस तरीके से आप देख सकते हो. उसके बाद यहाँ पे हल्का सा ब्लैक शेड लगाएंगे, जो पर्पल लगाया था उस पर ब्लैक शेड अप्लाई करेंगे, और इसको भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. इसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे हाफ कट क्रीज बना लिया है, और पर्पल शेड लेकर हाफ कट क्रीज का जो एंड है वहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई कर लिया. उसके बाद ग्रे शेड लेंगे, आपके पास कोई सा भी ग्रे शेड, अगर आप ग्रे आउटफिट पहने हो तो आप थर्ड मतलब आई बॉल पे आप अप्लाई कर लीजिए ग्रे शेड. इनर कॉर्न पर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया, कट क्रीज पर मैंने ग्लिटर अप्लाई कर लिया, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है लाइनर. और सारे प्रोडक्ट का मतलब सारा प्रोडक्ट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो यहाँ पे मैंने जो है लाइनर अप्लाई कर लिया. अभी आते हैं यहाँ पे. सबसे पहले आपको अपने जो अपर लिप एरिया है उसे अच्छे से क्लीन करना होगा. आप धागे से करिए, वैक्स से करिए, रेज़र से करिए, जिससे भी आप करते हो. उसके बाद यहाँ पे आपको पाउडर अप्लाई कर लेना है बिना कुछ अप्लाई किए, मतलब कि कुछ भी नहीं आपको अप्लाई करना है. सबसे पहले पाउडर अप्लाई करना है. उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ किया है, और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया क्योंकि ब्लेंड करते टाइम मेरी वीडियो जो है मिस हो गई. और यहाँ पे मैंने जो है ब्यूटी स्पॉन से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड किया है. मैं आउट ऑफ फोकस हो गई थी, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी नंद से कुछ बातें कर रही थी, और क्या बताऊँ. तो ये हो गया. उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और ये मैबलिन का एज रिवाइन कंसीलर है. तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया, और मतलब कि हाइलाइटेड एरिया को हाइलाइट कर लिया. तो अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आपका अपर लिप से मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा. जो अगर रेजर कर रहे हो या फिर वैक्स कर रहे हो, मतलब जो भी, कभी भी आप कोई भी पार्टी जाने से पहले अपर लिप अपना क्लीन कर लो, अच्छे से पाउडर कर लो, फिर उसके ऊपर मेकअप करो. उसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया. कॉन्ट्रोलिंग मैं कर रही हूँ, बहुत जल्दी वाला मैं मेकअप बता रही हूँ गाइस. उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर बार के कंट्रोल से कंट्रोल कर लिया अपना पूरा फेस, नोज़, फॉरहेड, सब कुछ. उसके बाद यहाँ ब्लश अप्लाई कर लिया. यहाँ मैंने फेसिस कैनरे का ब्लश यूज़ किया है, हाइलाइटर मैंने यूज़ कर लिया है, और लोअर लैश लाइन पे मैंने ब्लैक कलर लगा के इसे स्मज कर लिया है. मस्कारा अप्लाई कर लिया. इनर कॉर्नर पे मैंने ग्लिटर अप्लाई कर लिया था, और यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया. लिपस्टिक मैंने ये मैबलिन की सुपर स्टे वाली लगाई थी, और ये है मेरा फाइनल लुक. शेड वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो गाइस, कैसा लगा आपको लुक मुझे ज़रूर बताइएगा. तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मैंने ख़रीदा है. सबसे पहले इस गाउन की बात करते हैं जो मैंने ख़रीदा था. तो जैसा ही आपको दिख रहा है फ़ोटोज़ में, सेम वैसा ही ये गाउन आया है, और ये मैंने मीशो से लिया था. ये जॉर्जेट पे है, और इसका नीचे बहुत ही खूबसूरत सी फ्लेयर दी गई है. दुपट्टा पूरा भरा हुआ है, जॉर्जेट का दुपट्टा है. दुपट्टे में पूरा मिरर वर्क दिया गया हुआ है. आपको गले पे थोड़ा सा वर्क मिल जाएगा, और नीचे भी आपको मिरर वर्क फ्लेयर के साथ मिलेगा. इसकी आस्तीन वगैरह फुल है, और मतलब
बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं है, अंदर इनर भी लगा हुआ है साटन का। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेयरी है ये। और आपको सारे कलर मिलेंगे, रेड, मरून, ब्लू, मतलब सारे साइजेस भी हैं, सारे कलर भी हैं। और गाइज मैं आप लोग को बता दूँ ये 1262 रुपये का है, 1262 रुपये में आपको इतना प्यारा सा गाउन मिल रहा है। लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसके बॉर्डर, इसका सब कुछ। तो आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करना चाहिए, इसका कोड मैंने दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है ये बहुत ही प्यारी सी डेली वेयर कुर्ती, आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितनी प्यारी ये लग रही है। इसका जो कपड़ा है वो रेयन का कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाला कपड़ा है। पूरे जो है कुर्ती पे प्रिंट दिया गया हुआ है, बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्ती, इसमें कोई भी दुपट्टा वगैरह नहीं दिया गया हुआ है। और गाइज ये फुल लेंथ कुर्ती है, अगर आप की हाइट मेरे जैसे लाइक 5.2 है तो आपको आराम से मतलब कि लंबी आने वाली है। और अगर आप हील के साथ पहनते हो तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। स्लीव्स आप देख सकते हो कि थर्ड क्वार्टर स्लीव से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और स्लीव्स पे भी बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर दिया गया है। प्रिंट इसका बहुत अच्छा है धुलने से, और मतलब कि इसको मैंने एक दो बार धुला भी है, तब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी निकलने वाला इसका प्रिंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्रिंट है। और गाइज जो है इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसका जो प्राइस है 373 रुपये का है, मैंने कोड डाल दिया, ज़रूर चेक करिएगा। इस बारी आती है इस झुमके की, झुमका मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें जो है मोती का वर्क दिया गया हुआ है, ऑक्सीडाइज है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसे मिंत्रा पे 800 का देखा था, लेकिन ये मीशो पे मुझे मिला है 370 रुपये का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये। और गाइज आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, पहनने पे कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। और इसकी जो मोती है बहुत ही जराव टाइप की मोती है, मोती और इसमें हल्का सा कुंदन वर्क भी दिया गया हुआ है। तो ओवरऑल ये पहनने में ऑक्सीडाइज झुमका मुझे बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लगा। इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये काफ़ी 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 अच्छा झुमका आपको 373 रुपये में मिल रहा है, तो कोड वगैरह डाल दिया, आप चेक कर लीजिएगा। ओके गाइज इन सब का प्रोडक्ट कोड मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज मैं बता दूं कि मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। लाइक अगर आपको कोई चीज़ मीशो पे पसंद आई है तो आप उसमें अपना मार्जिन लगा के किसी और को सेल करोगे, तो जो मार्जिन होगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बिना किसी झंझट के। और गाइज मैं बता दूं कि अगर आप मीशो से फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा 30% का ऑफ, नहीं तो आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का ऑफ। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ गाइज कि अगर आपने मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट में मैंने पिन कर दिया मीशो ऐप को, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।